हाय फ्रेंड, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम प्रतीक्षा पटेल है, मैं नाथ नगरी बरेली से हूँ। और आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ तुलसी के पौधों के बारे में। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को उसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि तुलसी जी में जल कब चढ़ाना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि तुलसी जी में जल सूर्य उदय हो रहा हो तब चढ़ाना चाहिए या सूर्य उदय से पहले चढ़ाना चाहिए, और सुबह में चढ़ाना चाहिए, और संध्या काल में मतलब शाम के समय में तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और तुलसी जी में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों को कमेंट आते हैं तो मैं बता रही हूँ कि तुलसी जी में जल रविवार को नहीं चढ़ाया जाता है, एकादशी वाले दिन नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी मैया विष्णु जी के लिए व्रत रहती हैं, और रविवार वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी तुलसी मैया विष्णु जी के लिए भी व्रत रहती हैं इसीलिए। और तुलसी मैया को कब नहीं तोड़ना चाहिए, तो तुलसी मैया को इसी इसी दिन वाले नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया व्रत रहती हैं तो उन्हें तोड़ना भी नहीं चाहिए। रविवार वाले दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी वाले दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए, और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण भी पड़ता हो उस दिन भी तुलसी मैया को नहीं तोड़ना चाहिए। और जब और ये कमेंट आता है कि तुलसी मैया सूख जाए तो हम उसे कहाँ पर रखें, तो मैं बता दूँ तुलसी मैया सूख जाए तो विसर्जन कर दें चलते हुए पानी में, और ऐसी जगह ना डालें जहाँ पे हम लोगों के पैर पड़ते हों या पैरों से लगे, क्योंकि हम उनकी पूजा स्थापना जो भी करते हैं और वो और किसी के पैरों के नीचे आए जहाँ पर आए तो हमें कैसा लगेगा। तो इसीलिए तुलसी मैया को विसर्जन कर दें ऐसी थोड़ी दिन के लिए, चाहे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो तो हम नहीं कर पाते हैं विसर्जन, तो थोड़ी दिनों के लिए गमले के पास में रख दें और जाएं तो विसर्जन कर दें, और ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे पैरों में लगता हो। और तुलसी जी के पास साफ सफाई भी रखनी चाहिए, तुलसी जी के पास में गीले कपड़े ना डालें, जहाँ पर गीले कपड़े पड़ते हैं तो तुलसी मैया नीचे हैं और ऊपर कपड़े पड़ रहे हैं। मैंने अक्सर कहीं कहीं पर जगह पे देखा है कि तुलसी मैया नीचे हैं ऊपर कपड़े सूख रहे हैं तो पानी टपक रहा है, ऐसा ना करें, गंदगी ना फैलाएं, तुलसी मैया बिल्कुल शुद्ध होती हैं। लेकिन और रविवार वाले दिन तुलसी मैया पे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुलसी मैया व्रत रहती हैं उस दिन, रविवार वाले दिन तुलसी मैया को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो व्रत रहती हैं। शास्त्रों में तो यही कहा जाता है कि तुलसी मैया को रविवार वाले दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। और तुलसी किस दिशा में लगानी चाहिए, ये भी कमेंट आता है, तो मैं बता दूं कि तुलसी पूर्व दिशा की ओर लगानी चाहिए, और पूर्व दिशा की ओर लगानी चाहिए, उससे हमें सुख शांति और वृद्धि मिलती है। और अन्य और मैं बता दूं अन्य दिन दीपक जला सकते हैं, सिर्फ रविवार वाले दिन नहीं जला सकते हैं, बाकी हर दिन दीपक जला सकते हैं और जल भी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ रविवार वाले दिन और एकादशी वाले दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। और मैं बता दूं कि तुलसी को अपने आंगन में रखें, छत पर ना रखें, छत से जो घर का मुखिया होता है या जो भी पूजा पाठ करता है, जो भी सदस्य घर का, तो उसके बुध ग्रह कमजोर होते हैं, इसीलिए छत पे तुलसी को नहीं रखना चाहिए। और बता दें तुलसी के पास में जो शालिग्राम आते हैं वो रखने चाहिए तुलसी के नीचे, और शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए तुलसी के नीचे, और गणेश जी को भी नहीं रखना चाहिए तुलसी जी के नीचे, और बहुत सारी साफ़ सफाई तो रखनी ही रखनी चाहिए। अगर
साफ सफाई नहीं होगी तो वहां पे आपकी तुलसी रुकेगी ही नहीं, गंदगी होगी तो वो हमेशा सूखती ही रहेगी, सूखती ही रहेगी, कभी भी आपके घर में तुलसी हो ही नहीं सकती है, ऐसा भी होता है। और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी है ना, तो भी तुलसी आपके घर में नहीं होगी, ये भी बात होती है। तुलसी में बहुत ज़्यादा अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी अगर नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहती है या आपके घर में कोई संकट आना चाहता है तो तुलसी मैया पहले हर लेती हैं। इसीलिए कभी कभी तुलसी आपके घर में अच्छी खासी चल रही होती है और अचानक से सूख जाती है, तो ऐसा भी कारण हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी ना रखें, क्योंकि ज़्यादा से पानी देंगे तो उसकी वजह से भी तुलसी सूख जाती है, तो ज़्यादा पानी भी ना दें तुलसी में। और तुलसी इसी ऐसी ऐसी वीडियो हैं आप देख सकते हैं, कमेंट आया है मेरे पास एक, तो मैं इस वीडियो में तुलसी के ऊपर में एक कमेंट का जवाब भी देना चाहती हूँ, जो नाम तो नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं कहीं पर गई हुई थी तो मैंने वहाँ पे हरी भरी तुलसी दिखी तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना ली, लेकिन उस तुलसी जी के नीचे रखी हुई थी, रखे हुए थे शिवलिंग रखी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना ली शॉर्ट और मैंने वो यूट्यूब पर डाल दी, तो मेरे पास कमेंट बहुत सारे आने लगे कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको इतना भी नहीं पता है कि तुलसी जी के नीचे शिवलिंग नहीं रखी जा सकती है। तो मुझे ये बात पता है और जानकारी भी है, लेकिन किसी से मैंने उस जहाँ पे गई थी मैं, तो उन आंटी जी से भी मैंने कहा था कि शिवलिंग को तुलसी जी के पास नहीं रखते हैं, तो उन्होंने वो रिप्लाई ही नहीं दिया, तो मैंने उनसे और कुछ कहा भी नहीं। तो आप जाके मेरी तुलसी जी देख सकते हैं, बिल्कुल हरी भरी हैं, बहुत छोटा सा मेरा पेड़ है और तुलसी जी के नीचे मेरे शालिग्राम रखे हुए हैं, और मैं रोज़ संध्या काल में उन पे दीपक जलाती हूँ, और सिर्फ रविवार वाले दिन दीपक नहीं जलाना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।